हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाले एनीमिया या लो हीमोग्लोबिन लेवल्स के बारे में, क्या कारण हो सकते हैं और क्या टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो रेंज में रहे हमेशा। हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है, आयरन डेफिशिएंसी आप बिल्कुल बियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी या एनीमिया अगर आपको होता है प्रेगनेंसी में तो उससे आपके बच्चे की ग्रोथ, आपकी प्रेगनेंसी और बच्चे का वेट सब कुछ अफेक्ट होता है। तो इसलिए हमेशा ये डॉक्टर्स मेक श्योर करते हैं कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो चाहे आप सप्लीमेंट खाएं या फिर कुछ और चीजें करें, बट आपका रेंज में रहना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम कुछ इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। इवन जब आप प्लान करते हो तभी से आपको अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ ये एक आपकी हेल्थ की बात है बल्कि आपके अंदर जो पल रहा बच्चा है वो पूरी तरीके से आप पर डिपेंडेंट है। आप क्या खा रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ स्टाइल है, वो सारा कुछ आपके बच्चे पे असर करता है। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है आयरन। अगर आपके बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन लेवल आपका रेंज में नहीं है, तो बच्चे का जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसका दिमाग का डेवलपमेंट है, न्यूरल डेवलपमेंट है, वो सब चीजें जो है ना, वो उसके लिए आयरन चाहिए ही होता है। तो इसीलिए आपका आयरन डेफिशिएंसी होना बिल्कुल भी सही नहीं है और उसके लिए आपको बहुत ही एक्टिवली काम करते रहना चाहिए। तो सबसे कुछ टिप्स है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी अगर आपका थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन कम है। बट अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मली 11 प्लस होना चाहिए, अपनी आपकी थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी 10.5 11 इतना रहेगा तो वो रेंज में माना जाता है, उससे ऊपर होना चाहिए। बट अगर आपका 10.9 ऐसे है तो ये आपका कम में आएगा, बट और 8 से नीचे अगर चला जाता है तो सीवियर एनीमिया आपका कंसिडर किया जाता है, उसके लिए आपको एडमिट किया जाएगा और वो फिर ट्रीटमेंट चलाएंगे डॉक्टर और फिर वो सही हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, बट हाँ एक ये इश्यू है जिसपे आपको एक्टिवली बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन कम है, लाइक 9 या 10 है, तो आप अपने घर पे ही कुछ टिप्स को फॉलो करके आप अपना जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या वो टिप्स हैं। सबसे पहली चीज जो है ना, वो आपको अपनी डाइट पे काम करना है। डाइट आपकी थ्रू आउट, जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोचें तभी से आप ये डिसाइड कर लें कि आपकी डाइट जो है वो हेल्दी एंड बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जब ग्रो होता है, एक बच्चा जब डेवलप होता है, तो उसको हर तरीके के न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, न सिर्फ आयरन की, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, सब कुछ चाहिए होता है। तो वो सब कुछ आपकी डाइट में दोनों टाइम आपको आपके जो लंच है, डिनर है, सब में मिलता रहे, जिससे कि डेली बेसिस पे जो ग्रोथ हो रही है बच्चे की वो हो। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप आयरन डिफिशियंसी की बात करते हो तो आयरन रिच आपकी डाइट में चीजें इंक्लूड हो उसका आपको ध्यान रखना है। आयरन रिच में क्या आ सकता है, दाल है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और जो नट्स वगैरह है आपको डेली ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ओट्स भी है जिसके अंदर की काफी अच्छा आयरन पाया जाता है, तो आप ओट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो आप ये मतलब ये डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, खुद भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें आयरन होता है और आप वो डेली खा सकते हो, लाइक कैरेट है, बीटरूट, इसका सूप बना सकते हो, जूस बना सकते हो, सैलड्स में खा सकते हो, बट एक अच्छे अमाउंट में आपको डेली खाना पड़ेगा जब आपको डिफिशियंसी डिटेक्ट हो गई है। तो उसके बाद दूसरी चीज की आयरन हम खाते हैं, आयरन एब्जॉर्प्शन एक बहुत बड़ा इशू होता है, हमें पता नहीं चलता है, हम आयरन तो खा रहे हैं लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन अगर बॉडी में नहीं हो रहा है तो आपके हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली कम ही होगा। तो ये चीज पर कोई ध्यान नहीं देता, हमेशा लोग बात करते हैं कि आयरन रिच चीजें खाओ, चीजें खाओ, चीजें खाओ, बट एब्जॉर्ब होना भी जरूरी है और आयरन थोड़ा डिफिकल्ट होता है बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करना। तो उसको हेल्प करने के लिए आप विटामिन सी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अगर आप आयरन इंक्लूड कर रहे हो तो विटामिन सी जरूर से इंक्लूड करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि विटामिन सी जो है ना वो बहुत ज्यादा इजी कर देता है आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में। तो विटामिन सी रिच चीजें क्या खा सकते हो, आप नींबू पानी पी सकते हो, ऑरेंज वगैरह खा सकते हो, कीवी खा सकते हो, और भी जो चीजें जिनमें विटामिन सी होती है, जो थोड़ी सी टैंगी होती है टेस्ट में, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। लेमन वाटर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इससे आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है और आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प मिलती है। तीसरी चीज आपकी डाइट से ही रिलेटेड है कि जब भी आप आयरन रिच कोई भी चीज खा रहे हो, उससे खाने से 15 मिनट पहले और खाने के 15-20 मिनट बाद तक कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकती है। वो क्या चीजें होती हैं, कैल्शियम, अगर आप साथ में कैल्शियम वाली चीजें खा रहे हो तो
तो वो आपकी बॉडी में कैल्शियम और आयरन कंबाइन हो जाता है, और उसके बाद ना तो कैल्शियम अब्सॉर्ब होता है ना ही आयरन अब्सॉर्ब होता है आपकी बॉडी में। तो इसलिए कैल्शियम रिच कोई भी चीज जब आप आयरन वाली चीजें खा रहे हो उसके साथ में कंबाइन नहीं करनी है। दूसरी चीज, आयरन अब्सॉर्प्शन में बहुत बड़ा हर्डल होता है चाय, कॉफी या कैफीन। तो आपको चाय, कॉफी, अल्कोहल या सिगरेट या जो भी चीजें अगर आप लेते हो, स्मोकिंग वगैरह करते हो, वो सब कुछ आपको ये करते टाइम आयरन रिच चीजें जब आप खा रहे हो तो उसके आगे पीछे नहीं खानी है, गैप देना है जिससे कि बॉडी अब्सॉर्ब कर सके। पानी खूब ज्यादा पीते रहे, पानी से हाइड्रेशन तो मेंटेन होता ही है, प्लस आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से होता है जिससे कि आपके हीमोग्लोबिन में फर्क आपको देखने को मिलेगा। पानी खूब ज्यादा अच्छे से पीते रहे, किसी भी फॉर्म में आप पी सकते हो, कोई सिंपल पानी भी पी सकते हो, कोकोनट वाटर, मिल्क है, इस टाइप से आप कुछ भी पी सकते हो। उसके बाद डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स देते हैं, स्टार्टिंग में देते हैं, जब आपको आयरन डिफिशियंसी है या नहीं वो पता नहीं होता, उस टाइम पर आपको फॉलिक एसिड दी जाती है, वो आपको जरूर से लेनी है। फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद जब आपका आयरन डिफिशियंसी डिटेक्ट होता है, हीमोग्लोबिन कम आते हैं, तब आपको डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट्स भी देते हैं जो थोड़े से आयरन रिच होते हैं। तो उनको आपको मेक श्योर करना है कि जो भी तरीका बताया गया, कभी कभी दिन में 2 टैबलेट्स दी जाती है, कभी कभी 1 ही टैबलेट दी जाती है, तो वो जैसा भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो आप जरूर से लीजिए। और मेक श्योर कि आप आयरन सप्लीमेंट और कैल्शियम सप्लीमेंट दोनों एक साथ नहीं ले रहे हो, और कोशिश ये करो कि आयरन सप्लीमेंट सबसे पहले मॉर्निंग में ले लो, क्योंकि अगर आप उसको खा के थोड़ी देर कुछ भी नहीं खाओगे तो उसका अब्सॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। वरना क्या होता है, आयरन सप्लीमेंट हम जब भी खाते हैं तो उसके साथ अगर कुछ चीज कंबाइन हो गई, हमें हर चीज देखो उतना ज्यादा हम स्पेसिफिकली चीजें नहीं नोट कर पाते हैं। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन सप्लीमेंट हमेशा मॉर्निंग में खा लेती थी, उठती थी, ब्रश किया, पानी पिया और आयरन सप्लीमेंट खा लिया, उसके बाद आधे घंटे बाद ही कुछ खाना होता था, तो इस तरीके से वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अदरवाइज अगर आपने किसी चीज के साथ खा लिया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपको पेट के इश्यूज हो सकते हैं, वॉमिट, नोजिया, ये सारी चीजें आपके ट्रिगर हो सकती हैं। तो मेरा एडवाइस तो ये रहेगा कि आप मॉर्निंग में ही खा ले, और एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ ले, मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, और नहीं तो फिर आप रात में सोते टाइम भी खा सकते हो। बट मेक श्योर कि किसी भी फ्रूट, किसी भी वेजिटेबल या किसी भी चीज के साथ वो कंबाइन ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर डॉक्टर्स आपको जब भी चेकअप्स के लिए बुलाते हैं तो आप जाइए, और वहां पर आप कोई भी सिम्टम्स ऐसे फील कर रहे हो वो सब बताइए, ताकि आपका टाइम टू टाइम आयरन डिफिशियंसी चेकअप होता रहे, ब्लड टेस्ट होता रहे और जो भी चीजें हैं वो ट्रैक होती रहे। कभी भी ब्लड टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। कई बार लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट हो रहा है, सिंपल सा ये इसका क्या है, ऐसा नहीं सोचना है। सारे टेस्ट, सारे चेकअप्स आपको करवाना है, और जो भी प्रॉब्लम्स है उन पे एक्टिवली काम करके अपने सॉल्यूशंस को ढूंढना है, घबराना और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो यही कुछ सारी चीजें थी जो अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स अगर थोड़े बहुत कम है, लाइक 9 और 10 है, तो आप रिकवर कर जाओगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा भी प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि हीमोग्लोबिन थोड़े से कम आए थे, 9 या 10 के अराउंड थे। तो मैंने ये सारे टिप्स फॉलो किए थे और ये मेरे डॉक्टर ने ही मुझे एडवाइस किया था, तो ये सारी चीजें मैंने फॉलो की थी और बाद में जाके मेरे जो लेवल्स हैं, हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं, वो रेंज में आ गए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये सारे टिप्स हेल्प करेंगे। आप इनको जरूर से फॉलो कीजिए, डॉक्टर से मिलते रहिए, चेकअप्स कराते रहिए, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, विटामिन सी वाली चीजें खाइए, और इन सबसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि आयरन के साथ में कोई भी और चीज कंबाइन ना करें। तो ये सारे टिप्स अगर आपको पसंद आते हैं, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, कमेंट करके अपना भी कोई टिप अगर है आपके पास तो वो भी शेयर करें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। और अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग चैनल भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय and take care.